प्रतिभा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने यूपीएससी में थर्ड रैंक किया है, और आप मैं ये जानना चाह रहा था कि कैसे, क्या तैयारियां करी थी और क्या चीजें जो है अब जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, वो ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने तैयारी 2016 में शुरू की थी, और उस टाइम पे सबसे पहले मेरा यही उद्देश्य था कि सबसे पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो बेसिक नॉलेज के लिए 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको बहुत सारा कमांड होना चाहिए, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। ये सब्जेक्ट्स पे आपको पूरी तरह कमांड होना चाहिए। तो इसके लिए एक आपको बेसिक सोर्स तैयार करना होगा जिसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर्स, उसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा और आपको खुद के अपने नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जितने भी सोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट्स में लिखिए। और तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है रिवीजन करते रहना बार बार आपने जो भी पढ़ा है। बहुत सारा मटेरियल पढ़ के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करते, जब तक वो आपको याद नहीं रहती, तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर चौथी चीज़ है प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी, चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो, आपको उसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कम से कम 30-40 टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे बिफोर प्रीलिम्स के एग्जाम में। और फिर मेंस के टेस्ट के लिए आपको बहुत सारी आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, एसेज लिखने पड़ेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। फिर फाइनली इंटरव्यू या जिसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, उसके लिए भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिरर के सामने करनी पड़ेगी, आपको मॉक देने पड़ेंगे पैनल्स के सामने, आपको फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चन आंसर बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन। एक और, आपने चूज किया और किस वजह से किया? यूपी से बिलोंग करती हूँ, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसकी वजह से सबसे पहला कार्डर प्रेफरेंस में मैंने होम कार्डर ही डाला है, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यूपी है। उसके बाद मैंने एमपी प्रेफर किया है, फिर राजस्थान। आप जो सर्विस आईएएस चूज कर रही हैं, क्या आपका प्रेफरेंस क्या है? जी, सो लास्ट ईयर मुझे मेरी 489th रैंक आई थी, उसके बाद मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिल गया था जो कि लास्ट ईयर मेरी सेकंड चॉइस थी। तो इस साल मैंने बस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही चूज किया था। एक चीज जो ऑनलाइन हो रहा है, तो काफी एजुकेशन स्कूल्स को भी ऑनलाइन किया जा रहा है, तो क्या अब आने वाले टाइम में ये पॉसिबल है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन भी ऑनलाइन हो सकेगी, या यूपीएससी की प्रिपरेशन करना ऑनलाइन मुश्किल होता है? ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल मिलता है स्टूडेंट्स को, न्यूज़ के टर्म्स में हो या फिर आपका स्टैटिक सिलेबस। तो बहुत सारा मटेरियल वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारे मिलते हैं जिसके थ्रू कैंडिडेट्स प्रिपेयर करते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन आज बहुत बड़ा मीडियम बन गया है प्रिपरेशन का, नॉट जस्ट सिर्फ अर्बन एरियाज में रहने वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं, बल्कि इसकी वजह से रूरल एरियाज के कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई है। एंड जैसे जैसे कोविड आया है, आप जानते ही होंगे कोचिंग्स ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं, स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं दिल्ली, तो उसकी वजह से कोचिंग्स अपना क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट कर रही हैं। तो ये बहुत ही एक तरीके से पॉजिटिव चेंज भी है कि बच्चे अपने घर के माहौल में रह के तैयारी कर पाएंगे, जहां पे उनके पास पूरा सपोर्ट है, उनका उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और पूरा इकोसिस्टम घर का थोड़ी शांति के साथ वो पढ़ाई कर सकते हैं, ये भी अच्छी तरीके से बात है। और फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड से जो कैंडिडेट्स हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते दिल्ली में रहना, उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इससे मिलेगी। तो अभी भी, इस कोविड के पहले भी आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, और कोविड के बाद आई थिंक बहुत हद तक ये 70-80% प्रिपरेशन ऑनलाइन मोड में होगी, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब आप जो है इन फ्यूचर इतनी सारी सीनियर पोस्ट भी होल्ड करेंगी गवर्नमेंट में, सो कौन सी दो चीजें हैं जो आप सिस्टम में चाहेंगी कि चेंज करें? कॉलेज के टाइम से मैं एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम के थ्रू मैं दो एरियाज में बहुत ज़्यादा काम करती थी। एक एजुकेशन था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करना बच्चों की, दूसरा था वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये एरियाज हमेशा से मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहे हैं कि मुझे लगता है कि इनके थ्रू सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है। तो
आईएएस बनने के बाद भी ये एरियाज मैं हमेशा प्रायोरिटाइज करूंगी जहां भी मुझे मौका मिलेगा. अभी करेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करने की बात कही गई है, जो कि अभी पूरे नेशनल लेवल पे ये